पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को हुई। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि मई 2018 में एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या 231 थी। एसोसिएशन के प्रयासों से संख्या बढ़कर 417 हो गई है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के ऑफिस का जल्द निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। संकल्प लिया गया कि कार्यालय का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि सभी निर्यातक मतदान में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करें। एसोसिएशन की ओर से अभियान चलाया जाएगा। कहा कि GST रिफंड न मिलने की शिकायत फिर से आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए जल्द एक प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य कर अधिकारियों से मिलेगा। सभा में मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, नजमुल इस्लाम, डॉक्टर हामिद, नदीम खान, अरविंद बडेरा, शरद बंसल, अंशुल अग्रवाल, प्रेमवीर सिंह, नबील अहमद, रचित अग्रवाल, अनुशेष सिंह, हेमंत जुनेजा, परवेज आलम, शाहनवाज खान, रोहित ढल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज की बैठक में हम लोगों ने 44 नए मेंबर शामिल किए हैं और एसोसिएशन की 400 प्लस मेंबरशिप हो गई है, जो उसकी 231 मेंबरशिप थी। और हम लोगों ने एसोसिएशन के लिए नए भवन का निर्माण करने का संकल्प लिया है, जो कि 2019 में ही पूर्ण होगा। तीसरा, मतदान के लिए कि जो मतदान होगा उसमें हम सब लोगों को अवेयर करें कि सब लोग पूरी संख्या में मतदान करें, चाहे किसी भी पार्टी को करें। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सब मतदान करेंगे। अपील यही है कि होली का त्यौहार आ रहा है, सब लोगों को, शहरवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिल में जैसे हम लोग होली मनाते हैं सदैव, वैसे ही होली मनाएं और खुशियां मनाएं। सबसे बड़ा यही संदेश है होली का। देखिए, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन की तरफ से जो आज कार्यकारिणी की एक बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया, और सबसे बड़ा बिंदु आज जो था वो था एक एसोसिएशन के भवन का। देखिए, महासचिव साहब के इन प्रयासों से जो भवन का निर्माण हो रहा है वो EPCH के बिल्कुल बगल में, हमने 550 मीटर की एक जगह ली है जो कमर्शियल जगह है, उसमें ही हम निर्माण करेंगे। और मैं महासचिव साहब को अपनी एशियन की तरफ से ये वादा करता हूँ, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी एशियन के 450 के 450 सदस्य सदैव उनके साथ हैं।